आज के समय एवरेज में 100 शब्द आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये एवरेज का पार्ट 3 है। इसके पहले मैं इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको पढ़ा चुका हूँ। उन दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3। इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको बता दिया, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करें, क्वेश्चन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए कॉमा बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष है तो सी की आयु कितनी है, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। इसमें क्या दिया गया, ए बी सी की औसत आयु दिया गया है, ठीक है। अगर आपको तीनों की आयु का योग पता करना तो क्या करिए आप, इसमें 3 लोग, इसमें आप 3 से गुणा कर लिए तो तीनों की आयु का योग आपको पता चल जाएगा। आप यहां से लिख लें नीचे से, ए प्लस बी प्लस सी, इनकी औसत आयु कितना दी गई, 20 वर्ष दिया गया, ठीक है। तो मैंने वो क्या बताया, अगर तीनों की आयु का योग आपसे पूछो तो क्या करें, 3 लोग, आप इसमें 3 से गुणा करिए, औसत में क्या करिए आप 3 से गुणा करिए, तो सभी की आयु का योग आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, ये 60। यानी सभी की आयु का योग कितना आ गया, 60 वर्ष। फिर क्या दिया गया, ए तथा बी की औसत आयु कितना है, 19 वर्ष। आप यहाँ पे कर लीजिए, ए प्लस बी, इन दोनों की औसत आयु कितना है, 19 वर्ष। अगर दोनों की आयु का योग पता करना तो क्या करिए, 2 लोग हैं, इसमें आप 2 से गुणा कर लिए औसत में, तो कितना मिल जाएगा, 19 दुना कितना हो जाएगा, 38। इतना क्लियर है। अब देखिए पूछा क्या आपसे, सी की आयु पूछा है, ठीक है। तो करना क्या, आप यहां से घटाइए, आप करिए कि इसको यहां से घटाएं, जब आप घटाएंगे तो ये आपस में कट जाएंगे और ये आपस में कट जाएंगे, तो आप यहां से क्या बच जाएगा, सी बच जाएगा, और इधर भी तो घटाएंगे, अगर आप इसको यहां से घटा लेंगे कितना बच जाएगा, 22 बचेगा। कितना बचेगा, 22 बचेगा। यानी आप बता सकते कि सी की आयु इसमें कितने वर्ष की, यानी सी इसमें कितने वर्ष का है, 22 वर्ष का है, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 4 संख्या में पहली 3 का औसत 16 है और अंतिम 3 का औसत 15 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या क्या है, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता, ये क्या दिया है, वो 3 संख्याओं का औसत दिया गया, अगर तीनों संख्याओं का योग पता करना तो आप इसमें 3 से आप गुणा कर लीजिए। अगर हम लोग मान लें कि 4 संख्या लेंगे, ठीक है, आप इस तरह से कर लीजिए, पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई, तीसरी संख्या हो गई और ये चौथी संख्या, इसमें यही कहा गया कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 16 दिया गया और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 15 दिया गया और अंतिम संख्या कितना है, 20 है, लास्ट वाली संख्या कितना है, 20 है। तो आपसे ये पूछा है पहली संख्या क्या होगी, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप इसको साइड में लिखिए, ये 3 संख्याओं क्या दिया गया, औसत दिया गया। अगर ये 3 संख्याओं का औसत दिया गया है तो तीनों संख्याओं का योग पता करने के लिए संख्या से क्या करिए, औसत में गुणा करिए, कितना मिल जाएगा, 48 मिल, कितना मिल गया, 48 मिल। यानी इन तीनों संख्याओं का योग आपको कितना पता चल गया, 48। इन तीनों संख्याओं का औसत कितना पता चल गया, 48। फिर क्या कहा गया, अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। अगर ये 3 संख्याओं का औसत है आप इसमें क्या करिए, 3 से गुणा करिए, तो 15 कितना हो जाएगा, 45 है। यानी आपको यह पता चले कि अंतिम 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 45। अंतिम 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 45। और पूछा कि आपसे ये वाली संख्या आपसे पूछे पहले। अब की करना क्या, सबसे पहले क्या करें, मैं आपको तरीका बता, इन तीनों संख्याओं का योग कितना है, 45 है, जबकि इसमें हमको एक संख्या पता चले कितनी है, 20 है। तो करना क्या, 45 में से क्या करिए, 20 घटाइए तो कितना मिल जाएगा, 25 मिले। यानी इन दोनों संख्याओं का योग आपको कितना पता चलिए, 25, ठीक है। तीनों संख्याओं का योग कितना है, 45 है, जबकि हमको एक संख्या पता है। अगर इसको यहां से घटा दो तो इन दोनों संख्याओं का योग पता चले कितना, ये 25 मिलेगा। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, इन तीनों संख्याओं का योग कितना है, 45 है, जबकि आपको ये पता चले कि इन दोनों का औसत, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 25 है। और क्या करना, आपको पहली संख्या निकालना। तो आप करिए कि इसको आप यहां से घटा लिए, ये 3 संख्याओं का योग है जबकि ये 2 संख्याओं का योग है, इसको यहां से घटा लें तो आपको पहली संख्या आपको पता चल जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अगर आप इसको यहां से घटाए कितना मिल जाएगा, 23 मिल, कितना मिल जाएगा, 23 जी। इसका क्या गया आंसर, यानी आप बता सकते कि पहली संख्या कितनी है, 23। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लिये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, विनय को 7 विषयों में प्राप्तांकों का औसत कितना है, 68 है।
यदि इतिहास के अतिरिक्त अन्य विषयों का औसत 70 हो तो उसे इतिहास में अंक प्राप्त हुए, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, अभी क्या आपको ये पता कि सातों विषयों का औसत दिया गया, तो सातों विषयों का योग पता करने के लिए आपको करने के इसका आप औसत में उड़ा कर लिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसने कुल कितना नंबर पाया, सातों विषय में कुल कितना नंबर पाया। तो आप यहां से कर लिए, आप यहां पे लिख लिए, ठीक, अपने कॉपी में लिख लिए, सात विषय यानी सातों विषयों का औसत कितना है 68। अब करने के सभी का अगर योग पता करना तो आप इसका यहां से गुणा कर लिए, अगर आप इसका यहां से गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहां से करेंगे कितना मिल जाएगा 476 आपको मिलेगा, कितना मिल जाएगा 476। अब इतना क्लियर है। अब इसमें यह कहा है कि इतिहास के अतिरिक्त अन्य विषय, अगर इतिहास के अतिरिक्त अन्य विषय यानी सात विषय थी, अगर इतिहास को हटा दिया तो कितने सब्जेक्ट बचे, छह सब्जेक्ट का नंबर, इस छह सब्जेक्ट का औसत कितना, इतना छह सब्जेक्ट का औसत कितना है 70। तो छो का योग पता करने के लिए आप इसका इसमें गुणा करें, कितना मिल जाएगा 642, कितना मिल गया 420 मिल गया। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या, सात विषय का योग इतना है और नीचे कितना है, छह विषय का योग इतना है। तो करना है कि आप इसको यहाँ से घटा लिए, आपको ये पता चले इस इतिहास में उसने कितना नंबर पाया। अब इसको यहाँ से घटाइए, कितना मिल जाएगा 56 मिल जाएगा, आपको ये क्या गया आंसर, यानी उसने इतिहास में कितना नंबर पाया 56 यानी 56 नंबर प्राप्त किया। तो उसी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 13 परिणामों का औसत 70 है, यदि प्रथम सात का औसत 65 है और अंतिम सात परिणामों का औसत 75 है तो सातवां परिणाम क्या है, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ये क्या दिया, ये 13 परिणामों का औसत कितना दिया, इतना दिया। अगर 13 परिणामों का योग पता करना तो आप इसका क्या करिए, आप औसत में गुणा कर ले, आप यहां से लिख लिए 13 परिणामों का औसत कितना है 70। तो सभी परिणामों का योग पता करने के लिए आप इसका इसमें गुणा कर ले, तो 13 कितना हो जाएगा 91, 13 कितना हो जाए 91 और एक जीरो आपका बचा है। इतना क्लियर है। अब इसमें यह कहा है कि प्रथम सात परिणामों का औसत इतना, आप यहाँ पे कर लीजिए, प्रथम सात परिणामों का औसत कितना दिया गया 65 दिया गया। अब इन परिणामों का योग निकालना तो आप इसका इसमें गुणा कर लीजिए, सात परिणामों का योग आपको पता चल जाएगा, जब आप इसका इसमें गुणा करें कितना मिल जाएगा 455 मिलेगा, कितना मिल जाएगा 455। फिर क्या कहा गया, अंतिम सात परिणामों का औसत कितना दिया 75 दिया, आप यहाँ पे लिख लिए अंतिम सात परिणामों का औसत कितना दिया गया 75 यानी 75 दिया गया। तो सातों परिणामों का योग पता करने के लिए आपको करने के इसमें आप गुणा करिए, तो 7 × 35 हो गया और 7 × 49 49 हो गया और 3 कितना हो गया 52, कितना मिल जाएगा 525। अगर आप इन दोनों को जोड़िए कितना परिणाम मिल जाए आपको 14 परिणाम मिल जाए, कितना मिल जाएगा 14 परिणाम मिल जाए। और यहाँ पे क्या दिया, 13 परिणाम दिया गया, तो करना है कि आप इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा लीजिए, आपका आंसर है जो पूछा जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ें कितना मिल जाएगा 980 मिले, कितना मिल जाएगा 980 मिले। मैंने क्या बताया, इन दोनों को जोड़ के अब इसमें से घटा लिए तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। अब इसको यहां से घटाएंगे कितना मिल जाएगा 70, यानी आप बता सकते कि सातवां परिणाम कितना है 70। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी से आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी से दोगुनी है तो तीसरी संख्या, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया, 3 संख्याओं क्या दिया है, औसत दिया गया, तो तीनों संख्याओं का योग पता करने के लिए क्या करना, को जितनी संख्याएं रहेंगे उसमें क्या करिए, औसत में आप गुणा कर लिए, तो सभी संख्याओं का योग आपको पता चल जाएगा। अगर आप इसका इसमें गुणा करें 3 × 8 = 24 हो गया और यहां से गुणा कर 3 × 2 = 6, 6 × 2 कितना हो जाएगा 8, यानी तीनों संख्याओं का योग कितना आ गया 84 है। अब देखिए कंडीशन क्या है, आप यहाँ पे लिख, पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई और ये तीसरी संख्या। अब जो कंडीशन दी गई हम लोग क्या करें, उसे फॉलो करेंगे, पहली संख्या दूसरी से आधी है, पहली संख्या दूसरी से आधी है, फिर क्या कहा गया लाइन से, तीसरी संख्या दूसरी से दोगुनी है, जो तीसरी संख्या वो दूसरी से कितना है दोगुनी है। अगर हम लोग माने कि दूसरी संख्या कितनी है 2, जो तीसरी संख्या वो दूसरी से क्या है दोगुनी है, इसका दोगुना कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। अब पहली लाइन में क्या कहा गया, पहली संख्या दूसरी से कितनी आधी है, पहली संख्या दूसरी से आधी है, अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतना क्लियर है, तीनों संख्याओं के बीच का अनुपात आपको पता चलिए, और तीनों संख्याओं का योग कितना दिया गया आपको पता चलिए 84,
तीनों संख्याओं का योग कितना पता चलेगा आपको? 84 पता चलेगा। अब करने के रेशियो में तीनों संख्याओं को जोड़िए, अगर आप इन तीनों को जोड़े कितना मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। रेशियो योग इनका कितना हो रहा? 7 हो रहा। और इस तरह से योग कितना है? इतना। इस योग से इस योग में क्या करिए? भाग दीजिए। अगर आप भाग देंगे 7 कम 7 हो गया और 7 दूना 14, जितनी बार भाग गई है और पूछा कि तीसरी संख्या पूछा ना, तो तीसरी संख्या वाले मिला के गुणा कर दे, आपको क्या जाएगा? आंसर है। तीसरी संख्या पूछा तो इसका गुणा आप इसमें कर ले, कितना हो जाए? 12 चौक 48, यानी आप बता सकते कि तीसरी संख्या कितनी है? 48 मीन 48। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सी देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है, कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? इसमें आपसे यह पूछा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दिया, 30 लड़कों की औसत आयु कितना? इतना है। तो सभी लड़कों की आयु का योग पता करने के लिए क्या करना है? इनकी संख्या से औसत में क्या करना है? गुणा करना। आप यहां से कर लीजिए, आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है। 30 लड़कों की औसत आयु कितना ही है? 16। सभी लड़कों की आयु का योग पता करने के लिए इसका आप इसमें गुणा करिए तो कितना मिल जाएगा? 16 3 48, 480 मिल जाएगा, इतना वर्ष आ गया। फिर क्या कहा गया? 20 लड़कियों की औसत आयु इतना। आप यहां से कर लीजिए कि 20 लड़कियों, यानी आप इसमें यहाँ पे गर्ल लिख ली, ठीक है। 20 लड़कियों की औसत आयु कितना है? 14। तो सभी लड़कियों की आयु का योग पता करने के लिए आप इसका इसमें गुणा करिए तो 14 दिनों कितना हो जाएगा? 28 में, और लास्ट में आपका 0 रहेगा। और पूछा कि आपसे क्लास के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी, इसमें आपसे पूछा है। तो करना के सभी को जोड़िए तो कुल कितने मिल जाएंगे? 50 मिले। इनकी संख्या कुल कितनी होगी? 50 होगी। अब इन सभी को भी जोड़िए तो यहां से 0 हो गया, 8 8 16 गया, और कितना हो जाए? 6 1 7। अब देखिए क्या है, 50 यानी क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 50 है। और इनकी जो आयु इतने वर्ष है, तो इनकी आयु क्या करना आपको? औसत में बताना। इससे क्या करें, आप इसमें भाग दे दीजिए। अगर आप भाग देंगे तो 0 से 0 कट गया, इसको यहां से काट देंगे तो 5 एक 5 हो गया, 2 इधर गया, 5 5 25 हो गया, और बचा कितना? 1। तो यहां से कितना हो गया? 0.2। यानी आप बता सकते कि क्लास के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितना हो जाएगी? 15.2 वर्ष। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है, पिता माता उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, तो पुत्र की आयु कितनी है? इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछा है? पुत्र इस समय कितने वर्ष का है? तो सबसे पहले कि पिता और माता की क्या दिया? औसत आयु दिया। दोनों की आयु का योग पता करने के लिए आप इसमें 2 से गुणा कर लीजिए, तो आप यहां से कर लीजिए, फादर प्लस मदर, दोनों की औसत आयु कितना दिया गया? 35 दिया गया। तो दोनों की आयु का योग पता करने के लिए 2 लोग, तो आप इसमें 2 से गुणा कर लिए औसत, तो कितना हो जाएगा? 70 वर्ष। कितना हो जाएगा? 70 वर्ष। फिर अगले से कहा गया कि पिता माता और पुत्र तीनों की औसत आयु कितना है? 27 वर्ष। आप यहाँ पे कर लीजिए, फादर प्लस मदर और यहाँ पे प्लस सर, तीनों की औसत आयु कितना है? 27। तो तीनों की आयु का योग पता करने के लिए आप इसमें 3 से आप गुणा कर लिए औसत, जब 3 से गुणा करें 3 7 21 हो गया, और 3 2 6 6 2 कितना हो गया? 8 हो गया। इतना क्लियर है? अब देखिए पूछा कि आपसे लड़के की आयु पूछा ना, अगर आप घटाएंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, तो आप डायरेक्ट यहीं से घटा लीजिए, कितना मिल जाएगा आपको? 11 मिल। कितना मिल जाएगा? 11 आपको। यानी आप बता सकते हैं कि जो लड़का है इस समय उसकी आयु कितना है? 11 वर्ष। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है, शिक्षक की आयु इनमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु कितनी है? इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछा है? शिक्षक इस समय कितने वर्ष का? इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? 2 तरीके सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या, आप इसे बेसिस सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी जिससे आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सिर्फ देखकर इसका आंसर आप बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप बेसिस से लगाना चाहते हो, आप इस तरह से लगाइए, 36 छात्रों की औसत आयु कितना? इतना है। आप यहां से कर लीजिए, 36 छात्रों की औसत आयु कितना है? 14 वर्ष। तो सभी की आयु का योग पता करने के लिए आपको क्या करना है? इसमें आप गुणा करेंगे, तो यहाँ पे कुछ प्राप्त होगा कि नहीं? कुछ मिलेगा गुणा करने के बाद। जब इसमें क्या शिक्षक शामिल होगा तो इनकी संख्या कुल कितनी हो जाएगी? पहले 36 छात्र है, जब क्लास में शिक्षक शामिल हो जाए तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 37 होगी। इनकी संख्या कितनी होगी? 37 होगी। और औसत आयु में कितने की वृद्धि होगी? 1 की वृद्धि होगी, ठीक है।
अब करना है कि इसको यहाँ से गुणा करें तो औसत आय में एक की वृद्धि हुई, पहले औसत कितना 14 था, अगर एक की वृद्धि हुई कितना हो गया 15। अब इसका यहाँ से गुणा करेंगे, इसका भी आप इसमें गुणा करेंगे, अब इसको यहाँ से घटा लेंगे तो आपको क्या पता चले टीचर कितने वर्ष का, ये आपको ये आ जाएगा आंसर। ये इसका पहला तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको, ट्रिक से, ठीक है। अगर हम लोग मान ले वैसे फिगर बना के बता दे रहा हूँ, फिगर बनाने की जरूरत नहीं, बट आपको समझाने के लिए फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं मान लो ये कोई क्लास है, ठीक है, इसमें कुल कितने छात्र हैं, 36 छात्र हैं, कुल कितने छात्र हैं, 36 छात्र। अब इनकी औसत आयु कितना है, 14 वर्ष, यानी प्रत्येक 14-14 वर्ष के। अब इसमें ये कहा गया है कि जब इसमें क्या हो रहा है, अध्यापक शामिल हो रहा है, यानी जब इसमें शिक्षक शामिल हो रहा है तो इनकी औसत आयु में क्या हो जाएगा, एक वर्ष की वृद्धि हो जाए। पहले औसत कितना 14 था, तो अब कितना हो गया ये 15, कितना हो गया नया औसत 15 वर्ष हो गया। तो आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि शिक्षक इस समय कितने वर्ष का, ठीक है। कैसे बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर हम लोग मान ले 36 छात्र हैं, सभी के पास कितना कितना 14-14 रुपए, जो वर्ष है हम इसे मान ले कितना रुपया, रुपए में मान ले, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। जो वर्ष है हम इसे किस में मान ले, रुपए में मान ले। 36 छात्र सभी के पास 14-14 रुपए है, जब इसमें शिक्षक शामिल होगा तो ये एवरेज वाला तो ला ही रहा है, यानी 14 रुपये तो ला ही रहा है, आप यहाँ पे लिख लिए 14 रुपये ला रहा है, प्लस कुछ रुपया एक्स्ट्रा ला रहा है जो एक रुपया अपने ले रहा है और इन 3600 को दे रहा है। कुछ रुपया यानी कितना रुपया, कुछ रुपया एक्स्ट्रा ला रहा है जो एक रुपया अपना ले, अपने लिए ले रहा है और इन सभी को दे रहा है, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा लाया होगा, तो इनकी संख्या हो गई और ये कुल कितना एक्स्ट्रा लाया होगा, 37 रुपया क्या किया, एक्स्ट्रा लाया होगा, यही ना, 37 रुपया क्या किया होगा, एक्स्ट्रा लाया होगा। अब इन दोनों को जोड़िए, अगर आप इन दोनों को जोड़े 7 4 11 हो गया और 4 कितना हो गया 5, यानी आप बता सकते हैं कि इस समय शिक्षक कितने वर्ष का है, 51 वर्ष का। ये बात आपको समझ में नहीं, एक बार फिर से देखा जाए, मैंने इसमें आपको यही बताया, मान ले कितने छात्र हैं, 36 छात्र हैं, सभी के पास कितना 14-14 रुपए है, जब इसमें शिक्षक शामिल होगा तो ये क्या करेगा, जो एवरेज वाला इतना तो लाएगा ही, प्लस कुछ रुपए एक्स्ट्रा ला रहा है जो अपने भी ले ले रहा और इन सभी को भी दे रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा लाया, यानी 1 रुपया सभी को दे रहा है, 1 रुपया क्या कर रहा है, सभी को दे रहा है और 1 रुपया अपने भी रख ले, तो 36 × 37 कितना रुपया एक्स्ट्रा लाया, 37 रुपया एक्स्ट्रा लगा। अब आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि शिक्षक कितने वर्ष का, ठीक है, आपको ये क्या गया आंसर आ गया। अगर आप इससे भी फास्ट लगाना चाहते हैं, फिगर नहीं बनाना चाहते, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करिए, आप यहाँ पे लिख लिए, जो एवरेज वाला इतना तो ला ही रहा है, इतना रुपये तो ला ही रहा है टीचर, इतना रुपये ला रहा है, प्लस कुछ रुपये एक्स्ट्रा ला रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, प्रत्येक में 1-1 वर्ष की वृद्धि हो गई, तो 36 इनकी संख्या हो गई प्लस टीचर, कुल कितने लोग हैं, 37 हो गए, तो कितना रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, 37 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना मिल जाएगा, 51 मिल जाएगा, यानी आप बता सकते हैं कि टीचर इस समय कितने वर्ष का है, 51 वर्ष का। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है, आप इस ट्रिक से भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखा जाए, क्वेश्चन 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार है, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको फिगर द्वारा बना के समझा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर भी इसका आंसर आप बता सकते हैं, ठीक है। कैसे बताएंगे, अभी आपको बताऊंगा, सबसे पहले आपको फिगर द्वारा बना के समझा रहा हूं। अगर मैं मान लो 5 व्यक्तियों का समूह, कितने व्यक्तियों का समूह है, 5 व्यक्तियों का समूह, तो आप यहां से लिखे 5 व्यक्तियों का समूह। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें से एक 60 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति जा रहा है, यानी इनका औसत भार कितना रहा होगा, 60 केजी रहा होगा, इनका औसत भार कितना रहा होगा, 60 केजी रहा होगा। जब इसमें से एक व्यक्ति जा रहा है, यानी अपना भार लेके जा रहा है, 60 केजी लेके जा रहा है, तो इसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ रहा है, जब ये नया व्यक्ति आ रहा है तो इनके औसत भार में कितना हो जा रहा है, 1 किलोग्राम की वृद्धि हो, यानी कहने का मतलब जो जा रहा है, ठीक है, जो जा रहा है ये 60 केजी जा रहा है, लेके जा रहा है, जब ये आया होगा तो ये 60 केजी तो लेके आया होगा, जो आ रहा है ये तो 60 केजी लेके आया ही होगा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा लाया जो अपने भी ले लिया और इन जो 4 बच गए इन 4 को भी दे दिया, इनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो, ठीक है, एक जा रहा और एक आ रहा, इनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो, कितने लोग है, 5 ही लोग है, तो कितना एक्स्ट्रा लाएगा, कह सकते 5 एक्स्ट्रा लाएगा, जो 5 में एक एक करके बढ़ गया, तभी तो 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाए, तो 5 में एक एक करके बढ़ गया, 5 रुपए एक्स्ट्रा लाया कि नहीं लगा। अब करिए इन दोनों को जोड़िए, कितना मिल जाएगा, 65, यानी आप बता सकते हैं कि जो नया व्यक्ति आ रहा है उसका भार कितना है, 65 केजी, तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है।
वैसे आप इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर भी इसका आंसर आप बता सकते हैं। अगर इतने किलोग्राम वाला व्यक्ति जा रहा है तो जब आएगा, जो व्यक्ति आएगा इतना तो ला ही रहा है, इतना भार तो ला ही रहा है, जो व्यक्ति आएगा 60 kg तो ला ही रहा है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा ला रहा है, जो क्या हो रहा है, प्रत्येक में एक एक की वृद्धि हो रही है, तो इनकी संख्या में कोई परिवर्तन तो हो नहीं रहा, एक जा रहा है एक आ रहा है, इनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, यानी कितना एक्स्ट्रा लाया, एक एक में वृद्धि होगी, एक एक किलोग्राम की वृद्धि होगी, तो कितना एक्स्ट्रा लाएगा, तो कह सकते हैं 5 kg एक्स्ट्रा लाया, तो आप यहां से जोड़ लीजिए कितना मिलेगा 65। आप इस तरह से इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 8 व्यक्तियों के एक समूह में 65 kg भार के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति लेने पर इनके औसत भार में 1.5 kg वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार है, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या करें, फिगर द्वारा नहीं बनाएंगे, ठीक है, यानी फिगर द्वारा सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। जब ये क्या करे, एक व्यक्ति जा रहा है और एक व्यक्ति आ रहा है, तो इनकी संख्या में कोई परिवर्तन हुआ क्या, इनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं। अगर इतने किलोग्राम वाला व्यक्ति जा रहा है तो जो आएगा इसके स्थान पर जो आएगा इतना तो ला ही रहा है 65 kg, इतना तो ला ही रहा है 65 kg, प्लस कुछ एक्स्ट्रा ला रहा है, ठीक है, इनकी संख्या में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा लाया होगा जो आठों में बढ़ गया, आठों में बढ़ गए थे, यानी कितने की वृद्धि, इतने की वृद्धि होगी औसत भार। तो करने के आप इसको यहाँ से गुणा करें, आपको ये पता चल जाएगा कि कितना एक्स्ट्रा लाइए, 65 kg से कितना जाते लाए, आपको ये पता चल जाएगा, इसका आप इसमें गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ से कर लिए कि 8 है और 1.5, इसका गुणा करिए 8 × 5 = 40 हो गया, और 8 × 8 = 4 कितना हो गया 12, यानी कितना एक्स्ट्रा लाया, 12 kg एक्स्ट्रा लाया, कितना एक्स्ट्रा लाया, 12 kg एक्स्ट्रा लाया। अब इन दोनों को जोड़िए तो कितना मिल जाएगा, 77 kg आपको, कितना मिल जाएगा 77 kg आपको, यानी बता सकते हैं कि नए व्यक्ति का भार कितना है 77 kg, तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। आप इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को बहुत ही तेजी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष, 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। जो 10 नए व्यक्ति है इनकी औसत आयु आपसे पूछे गए, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, मैं आपको तरीका होता है, सबसे पहले क्या कहा है, 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना, इतना है, तो 40 विद्यार्थियों की आयु का योग पता करने के लिए आप इसमें गुणा करिए, इसका क्या करिए, आप गुणा करिए, आप यहां से कर लीजिए 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है 15 वर्ष, आप अपने कॉपी में लिख लिए कि 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है 15 वर्ष, तो सभी के आयु का योग पता करने के लिए आप इसका इसमें गुणा करिए, तो 15 चौक कितना, 600 हो जाएगा, 15 चौक 60 यानी कितना हो जाएगा 600 वर्ष। अब इसमें यह कहा गया है कि 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश लेने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो पहले कितने 40 विद्यार्थी, अगर 10 नए विद्यार्थी आ गए तो इनकी संख्या कुल कितनी हो गई 50 हो गई, और इनकी औसत आयु में कितने की वृद्धि हो गई 0.2 वर्ष की वृद्धि हो गई, पहले औसत कितना इतना था, अब इनका नया औसत कितना आ जाएगा 15.2 हो जाएगा, 15.2 कितना आ जाएगा 2 वर्ष। अब करने के इसके यहां से गुणा करिए, तो यहाँ पे जो 0 है इस पॉइंट को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, यहाँ पे जो 0 है इस 0.2 क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए यहाँ पे 0.2 नहीं, डायरेक्ट गुणा करिए, इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो 5×2 = 10 हो गया, और ये 5×5 = 25 से कितना हो गया 26 हो गया, इसका इसमें करें 5×5 = 2 कितना हो गया 7। अब करना है कि इसको यहां से घटाइए, हमसे पूछा है कि जो नए विद्यार्थी है उनकी औसत आयु पूछे, तो इसको यहां से घटाएंगे तो 10 नए विद्यार्थी आपको मिलेंगे, 10 नए विद्यार्थी आपको मिलेंगे, इसको भी यहां से घटाइए कितना मिल जाएगा 160 मिल जाएगा, यानी जो 10 नए विद्यार्थी है इनकी इन सभी की आयु का योग कितना है इतना है, इनकी औसत आयु पूछे तो औसत आयु के लिए क्या करना, इसमें आप भाग दे, इसमें क्या कर दे आप भाग दे इनकी संख्या से, तो कितना मिल जाएगा 16, यानी आप बता सकते हैं कि जो नए विद्यार्थी हैं उनकी औसत आयु कितना है 16 वर्ष, तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 kg है, नाव और उसमें क्या कहा गया, नाव और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 kg है, तो नाव का भार कितना है, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया, 5 व्यक्तियों को क्या दिया, औसत भार दिया गया, तो 5 व्यक्तियों का योग पता करने के लिए कितने के जी, आप इसका यहां से गुणा करिए, तो आप यहां से लिख लिए कि 5 व्यक्तियों का औसत भार कितना दिया गया 38 kg दिया गया,
तो सभी का भार पता करने, यानी सभी का क्या ना योग पता करने, सभी के भार का योग पता करने के लिए आप इसमें 5 से आप गुणा करिए। जब 5 से गुणा करें तो 5 8 40 हो गया और 5 3 15, 15 4 कितना हो गया 19, कितना मिल गया आपको 190 केजी मिल गया। फिर क्या कहा गया, नाव और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार कितना हो गया इतना। व्यक्तियों की संख्या कितनी है 5 है, अगर आप नाव को भी काउंटिंग करेंगे तो इनकी संख्या कुल कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। व्यक्तियों की संख्या 5 है, अगर नाव को भी ले लिया जाए तो इनकी संख्या कुल कितनी हो गई 6 हो गई। अब इनका औसत भार कितना दिया गया 52 दिया, यानी 52 केजी दिया गया। तो सभी के यानी सभी का भार पता करने के लिए आप इसमें आप गुणा करिए, तो 6 × 12 हो गया और 6 × 5 = 30 से कितना हो गया 31 हो गया। अगर आप इसको यहां से घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 9 आपको प्राप्त होगा, क्या मिलेगा आपको 9 मिलेगा। तो इसको भी क्या करें आप यहां से घटाइए, अगर आप इसको यहां से घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा 2 मिल गया, एक यहां से ले कितना 11, तो कितना मिल गया यहाँ पे 2 मिल गया और यहाँ पे कितना हो गया इतना। यानी आप बता सकते कि 9 का भार कितना है 122 केजी है, 9 का भार कितना है 122 केजी है। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत कितना 110 लीटर है। यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत है। इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा गया, इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत आपसे पूछा गया। पहले 7 माह का देखिए यहाँ पे क्या दिया, पहले 7 माह का पेट्रोल खपत कितना कर इतना लीटर खपत कर, यानी करना क्या, 7 माह का योग पता करने के लिए आप इसका क्या करें आप इसमें गुणा, ये औसत दिया गया तो 7 माह का योग यानी कुल कितना पेट्रोल खपत किया आप इसमें गुणा कर लीजिए। तो आप यहां से कर लीजिए 7 माह कुल कितना ये क्या दिया गया औसत दिया गया, तो 7 माह का कितना पेट्रोल खत्म किया आप इसमें गुणा कर लीजिए, कितना मिल जाएगा 770 लीटर, यानी कुल कितना खपत किया 770 लीटर खपत किया। फिर क्या कहा गया, अगले पांच माह के देखिए यहाँ पे क्या दिया, मासिक खपत कितना दी गई 86 लीटर दी गई, तो आप यहाँ पे 86 आप ले। अब करना है कि इसका आप यहाँ पे गुणा करें, अगर आप इसका यहाँ से गुणा कर लेंगे तो 5 6 30 हो गया और 5 8 40 दिन कितना हो गया 43 हो गया, इतना लीटर आपको मिलेगा। पूछा क्या आपसे पूरे वर्ष का, यानी एक वर्ष का क्या पूछा आपसे, मासिक खपत पूछा गया, औसत मासिक खपत पूछा गया। तो करना है कि आप इसको यहाँ से जोड़िए, कुल कितना मिल जाएगा आपको 12 माह मिलेगा, कितना मिल जाएगा 12 माह। पूछा कि आपसे औसत मासिक खपत, यानी क्या पूछा, औसत मासिक खपत 12 माह मिल गया, इसको भी आप जोड़िए कितना मिल जाएगा 0 मिल गया और 7 3 10 हो गया, 4 यहां से 4 4 11 हो गया, 10 11 कितना हो गया 12 हो गया, यानी कुल इतना खपत कर रहा है ये एक साल में इतना खपत कर रहा है। और पूछा कि आपसे प्रति माह पूछा, तो आप करिए कि इसमें 12 से आप भाग दे, अगर आप 12 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी 100 बार, यानी आप बता सकते हैं कि उसके जो एक वर्ष की यानी एक वर्ष की जो मासिक खपत कितना हो जाएगी 100 लीटर हो जाएगी, ठीक है। मासिक खपत कितना पता चलेगा 100 लीटर पता चलेगा, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एवरेज पर अभी मेरी एक वीडियो और आएगी जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और जो टेम्परेचर क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। अभी एवरेज में मेरी एक वीडियो और आएगी, ठीक है।